तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरों के बारे में। तो आज जो है यहाँ पर लॉकडाउन तीसरा चरण में पहुँच चुका है और वहीं जो है कई जगहों जो है दुकानों में छूट दे दिए हैं, दुकान खुल चुके हैं, लगभग 50% जो है दुकान खुल चुके हैं हर जगह। और यहाँ पर आप बात करें देहरादून में तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इतनी लंबी यहाँ पर कतार लगी है शराब की दुकान में, और मज़हब एक घंटे में यहाँ पर जो है 22 लाख का यहाँ पर शराब बिक चुकी थी। और यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिकने वाली शराब आज तक का यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर कतार लगी हुई है। और यहाँ शाम 4 बजे तक जो है दुकान खुली थी, और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो शाम तक है 80 लाख का यहाँ पर टोटल जो है बिकी हुई थी, और वर्ल्ड का जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर शराब बिकी हुई है। और लॉकडाउन खुलते ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर कतार है। और वहीं बात करें दूसरी तरफ उत्तराखंड की नई खबर के बारे में, तो यहाँ पर जो है केंद्र की नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी हो चुकी है। अब उत्तराखंड सरकार का यहाँ फैसला बदल दिया है और राहत कैंपों में फंसे लोग ही यहाँ पर घर लेके आए जाएंगे और कोई भी यहाँ पर घर नहीं आएगा अब कोई भी। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानों का आदेश यहाँ पर नहीं मानने पर जो है सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और त्रिवेंद्र रावत ने यहाँ पर कह रखा है कि नई गाइडलाइन के द्वारा जो यहाँ पर नई निर्देश दिए गए थे, यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी घर आता है तो उसके लिए जो है 14 दिन का क्वारंटीन होना चाहिए, और जो भी यहाँ पर प्रधान द्वारा किया जाएगा और स्कूलों में या आपके पंचायत भवन में यहाँ पर क्वारंटीन किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर प्रधान के द्वारा सख्त यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा और साथ ही साथ जो है उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और ऐसे में जो है आप घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है अब वही लोग यहाँ पर जा सकते हैं जो कैंपों में फंसे हुए हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पर घर लेके आया जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर घर वापसी अब जो है सबकी नहीं हो पाएगी, और आज की बड़ी खबर है ये। हज़ारों लोगों का जो है सपना यहाँ पर टूट चुका है क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड के कई लाखों ने जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाया था, तो कई लोग जो है यहाँ पर आवेदन भी किए थे और नई दिल्ली से यहाँ पर लगभग 40,000 जो है आवेदन हो चुके थे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 22,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने आवेदन किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, और महाराष्ट्र से भी 16,000 करीब किया था, और हरियाणा में भी यहाँ 20,000 के समथिंग किया था। तो कई जगहों पर जो है कई मात्रा में जो है फंसे हुए लोग हैं, लेकिन इनको जो है अब उत्तराखंड लेके नहीं आया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी हो चुकी है, और उन्हीं लोगों को यहाँ पर लेके आया जाएगा जो कैंपों में फंसे हैं या यहाँ पर मजदूर हैं या ठीक है उन्हीं को यहाँ पर लेके आया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते करीब जो है 1.5 लाख जो है घर वापस नहीं जा पाएंगे, और इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाया गया था सभी ने। तो नई दिल्ली समेत जो है लगभग यहाँ पर 96,000 जो राशि उत्तराखंड में आवेदन यहाँ पर कर चुके हैं,